मैंने तो कभी भी इस तरह की जर्नी नहीं सुनी कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है कि वो अपनी पेंटिंग या अपना आर्ट बेच सकता हूँ। आपको मैं एक मजे की बात बताऊँ कि फीमेल्स ही नहीं, यूड बी सरप्राइज जितने मेल्स इंटरेस्टेड हैं अपने घर डिज़ाइन करने में। तो ये जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वी वॉन्ट टू प्रमोट पाकिस्तानी आर्ट एंड कल्चर। पैसे मिल जाते हैं कि अगर उस फील्ड के अंदर डाइव इन होना चाहे पूरा, उसको बहुत शौक है पेंटिंग बनाने का, तो गुजर बसर हो जाएगा। हर इंडस्ट्री में, वो कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, प्रोडक्ट हो, आई थिंक आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है जी। आप कैसे अपने आप को अप टू डेट रखती है ट्रेंड के अंदर, क्योंकि ये भी मैंने देखा कल्चर वाइज भी चेंजेस आते रहते हैं जी। आई थिंक इट्स बीन 18 ईयर्स के मैं पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, आर्ट क्यूरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हुमा मिर्ज़ा हैं। क्या आज हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले हम इनकी स्टडी बता दें। इन्होंने लंदन गोल्डन, यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया हुआ है, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा दुबई और पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं। ख़ास तौर पे पॉडकास्ट उन लोगों के लिए हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जो अपनी पेंटिंग या अपना स्ट्रक्चर या अपना आर्ट दुबई में बेचना चाहते हैं। यानी इनसे आप कनेक्ट करेंगे या आपको बता देंगे कि आप अपने आर्ट को दुबई में कैसे सेल आउट कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आइए आपको बता देंगे। इस पूरी पॉडकास्ट के अंदर मैं 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी पूरी जर्नी में आपकी मदद करेंगे, ख़ास तौर पे इंटीरियर डिज़ाइनर। आपको एक पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट मिल जाए, 3 पॉइंट मिल जाए, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई बैक पे वो पांचों के पांचों पॉइंट बता दूंगा। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। आप चाहते हैं मेरी पॉडकास्ट सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, चले बहुत अच्छा। सबसे पहला तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज कोई मेरे पास इंटीरियर डिज़ाइनर, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसको समझना कि कैसे डिज़ाइन करें और कैसे चीज़ों को लेके चलें। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इंस्पायर हुई और कैसे आई इस जर्नी के अंदर। तो एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है यूनाइटेड किंगडम से, एंड फिर वहाँ से उसके बाद आई मूव टू दुबई। वहाँ आई स्टडीड इंटीरियर डिज़ाइन एंड पूरी उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ एंड पूरा मैंने डिप्लोमा किया। एंड उसके बाद मैं और मेरी दोस्त ने हमने अपनी कंपनी शुरू की कोविड के टाइम, बिकॉज एक्चुअली जब कोविड हुआ सो वी रियलाइज्ड के पीपल वर एक्चुअली स्टक इन देयर होम्स, और जब लोग घरों में बंद हुए तब उनको बहुत मसले होना शुरू हुए कि यू नो ये नहीं सही वो नहीं सही। तो एट दैट टाइम वी रियलाइज्ड के कोविड को काफ़ी लोग एज अ प्रॉब्लम ले रहे थे, बट वी वॉन्टेड टू सी एन अपॉर्चुनिटी इन दैट, एंड इन दैट यू नो हमने भी अपॉर्चुनिटी देखी एंड तब हमने अपनी कंपनी शुरू की। और तो एग्जैक्टली द कंपनी क्या कर रही है आपकी? तो हमारी कंपनी जो है वो अभी मल्टीपल चीज़ें कर रही है। मेरा ऑफिस जो है वो दुबई में बिजनेस बे में बेस्ड है। कंपनी का नाम है द स्टाइलिंग डुओ। मैं और मेरी दोस्त हैं, हम इंटीरियर स्टाइलिंग करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि दुबई में यूएई बहुत थ्राइव करता है टूरिज्म पे, एंड यू नो हॉलीडे होम कल्चर वहाँ पे बहुत पॉपुलर फेमस है। एग्जैक्टली, तो हॉलीडे होम कंपनीज को एक्चुअली चाहिए होता है कि विद इन 2 वीक्स विद इन 10 डेज यू नो आप घर सेट कर दें, कलर्स ऐसे हों कि यू नो घर जल्दी रेंट आउट हो, उनको हाई आरओआईज मिले। तो बेसिकली वी वर्क विद अ लॉट ऑफ हॉलीडे होम कंपनीज, तो वी हेल्प विद स्टाइलिंग एंड स्टेजिंग, एंड अब हमें पूरी दुबई की DTCM रिक्वायरमेंट्स का भी पता है तो हम एक्चुअली वो भी करते हैं। उसके अलावा हम आर्ट क्यूरेशन करते हैं। आर्ट क्यूरेशन एक्चुअली ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो आगे प्रमोट करते हैं UAE में एंड GCC मार्केट्स में, एंड यू नो उनके यहाँ से हम पूरा वो प्रोसेस आपके लिए, अगर आप दुबई में बेस्ड हैं या बहरीन में और आपको कोई लेट्स से कोई पेंटिंग चाहिए तो हम आपके लिए वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेशली कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी उस पेंटिंग की, मतलब कोई भी आर्ट होगा तो उसको आपको भी रिक्वायर्ड होगा, वो आपको बताएगा, देन आप उसको अरेंज करेंगे, राइट? नॉट स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम घर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब यू नो हम आर्ट वॉल्स उस तरह डिज़ाइन करते हैं कि कोई वॉल कलर थीम्स पे हों, अदरवाइज जो है वो हम यहाँ से भी आर्ट लेके जाते हैं और कुछ पेंटिंग्स हमारे पास होती हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को भी वो दिखा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा मशकूर रज़ा, वो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी दुबई मॉल में भी पेंटिंग्स हैं, तो उनसे हम उनकी हम बहुत पेंटिंग्स लेके जाते हैं, एंड यू नो पीपल वॉन्ट के वो आर्ट अपने घर में लगाएं, कोई पेंटिंग लगाएं, तो
वो भी एक अच्छा, जैसे फीमेल्स बहुत ज़्यादा मैंने देखा क्रिएटिव होती हैं, वो बनाती रहती हैं आर्ट्स, तो आप उनको भी, उनसे भी लेती होंगे लोकली? और ऑफ कोर्स बट यू नो, आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि फीमेल्स ही नहीं, यूड बी सरप्राइज जितने मेल्स इंटरेस्टेड हैं अपने घर डिज़ाइन करने में। हाँ ये तो मसला, मुझे खुद अपने ऑफिस के लिए टेंशन रहती है कोई मेरा डिज़ाइन कर दे, क्योंकि इतना सोचना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो हमें, मैंने तो सोचा था कि जब मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगी तो मेरा तो क्लाइंटल 80% वेमेन होएगा, बट सरप्राइजिंगली मेरा क्लाइंटल 80% मेन है, बिकॉज आदमी बहुत इंटरेस्टेड है इंटीरियर डिज़ाइन में, क्योंकि फील एंड लुक अच्छा आता है इस वजह से भी आता है। जैसे भी अभी आपने देखा होगा मेरा ऑफिस, तो हम लोग, आपने ये रूम भी देखा होगा, तो हम इस पर बड़े रिसर्च करते हैं और करते हैं कि यार अच्छी से अच्छी चीज़ बन जाए, और वो मेल शायद आपको इस वजह से होटल्स वगैरह पे वही होते हैं। Exactly, और होटल के ऊपर रनिंग ज्यादा है, घर तो एक दफा बन जाता है जी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, जो कि यहाँ पे लोग फीमेल्स और मेल्स जो भी काम कर रहे हैं, जो पेंटिंग बना के दे रहे हैं, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो कैसे अपने आप को मार्केट कर सकते हैं? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने, मैंने तो कभी भी इस तरह की जर्नी नहीं सुनी कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है कि वो अपनी पेंटिंग या अपना आर्ट बेच सकता हूँ जी। सो एक्चुअली हम बहुत आर्ट शोज भी दुबई में करते हैं, जहाँ हम एक्चुअली आर्टिस्ट को कहते हैं कि यू नो, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम उनकी पेंटिंग्स लेके जाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, अगर कोई लोग जब आते हैं तो उनको जो पसंद आती है दे कैन परचेस इट, एंड इस तरह द क्लाइंट विल ऑल्सो get to know an artist, और artist को भी exposure मिल रहा है international market में, तो you know वो constrained नहीं है पाकिस्तान में, उनको एक opening मिल रही है, and हम तो actually because we are new, मेरी company को सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, तो we are actually very encouraging and promoting startups, तो ये जो नए upcoming artists हैं, we want to promote पाकिस्तानी art and culture, तो आई मीन आई एम श्योर वो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा यू नो इंस्टाग्राम का जो बिजनेस पेज है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू वी कैन। अच्छा हमें एक चीज़ और थोड़ा डिस्टर्ब करा, इज इट डिफरेंट कि अगर हम यहाँ पाकिस्तान में पेंटिंग बनाते हैं, एक डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो वहाँ के कल्चर से कैसे सिमिलेट कर रहा होगा? कल्चर वाइज भी तो चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं। You're right, but actually interior design is very different to art curation. Interior design is very personalized. I'm sure यहाँ पे एक घर जो है वो दूसरे घर से बहुत different है, तो इंटीरियर डिज़ाइन इज़ वेरी, आई थिंक उसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसमें आप एक इंसान को, आपको पता है कि आपको आपका घर किस तरह चाहिए, तो वो नीड वाइज वेरिएट करता है, बट विथ आर्ट इट्स अ बिट जेनेरिक, लाइक जैसे डिफरेंट आर्टिस्ट आर नोन फॉर डिफरेंट, कुछ आर्टिस्ट कैलीग्राफी करते हैं, तो यू नो कुछ लोग होते हैं जिनको कैलीग्राफी का शौक़ है, कुछ लोग हैं जिनको सीनरीज का शौक़ है, तो यू नो हम सिर्फ वो उन वो एक्सेस पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी देना चाह रहे हैं उस मार्केट में। तो आप उनको साथ लेके जाती हैं, सिर्फ उनका पेंटिंग का सामान? नहीं नहीं, सिर्फ अगर हमारा कोई आर्ट शो हो रहा होता है तो हम वो लेके जाते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली आर्टिस्ट से इन टच होते हैं, एंड उनकी अगर उन्होंने कोई लेटेस्ट पेंटिंग्स बनाई होती हैं तो वो हम अपने क्लाइंटल में शेयर करते हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो फिर यस। पूरे प्रोसेस में आपके क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज आता होगा कि ये, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि उसकी एक पेंडिंग आप लेके जा रहे हैं, वो बोलेगा यार वापस पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वो आप सेल करें कि वो, अब यहाँ वो अज्यूम कर रहा होगा कि आप उसे 1000-1500 रुपये में लेके जा रहे हैं, वहाँ आप धर्म में बेच रहे हैं, तो आप उसका कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आई थिंक एवरी रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एंड आई थिंक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप बिल्डिंग। हम हर एक के साथ काम नहीं करते और हर कोई हमारे साथ काम नहीं कर सकता, तो आई थिंक उसके लिए ट्रस्ट और रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, एंड उसका यूजली क्या होता है कि हम एक्चुअली कुछ पेंटिंग्स परचेस कर लेते हैं, या तो फिर हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उनको बता देते हैं कि वो हमें अपनी प्राइस बता देते हैं कि हमें अपनी पेंटिंग इस अमाउंट पे सोल्ड चाहिए, या हमें ये प्राइस अपनी पेंटिंग की चाहिए। अब वो तो बेयर मिनिमम होता ही है, उस पर फिर ऑब्वियसली हम अगर कुछ यू नो 10% ऐड कर लेते हैं तो वो हम अपने इसको अपने क्यों इस तरह से नहीं रखा कि ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना दें? दैट इज़ द प्लान, इवेंचुअली दैट इज़ द प्लान, ये बिकॉज वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस और अभी 6 महीने हुए, पर अब प्लान यही है कि हम इसे एक वेबसाइट पे, ताकि हम सिर्फ GCC नहीं इनफैक्ट ग्लोबली भी जा सके, यू नो US में कोई परचेज कर सके, UK में, तो अब यही प्लान है कि हम यू नो अपना ई कॉमर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें।
आपको ये पूरा एक जो थ्रू आउट द जर्नी आपने कहा कि मैं जो कोविड में आइडिया आया, तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके अंदर कितना स्कोप है अगर कोई नया है बंदा, ठीक है, कि वो चाहना चाहता है, उसको शौक तो है, लेकिन क्योंकि अब अगर कल्चर वाइज बात करेंगे ना पाकिस्तान की, तो शौक पीछे रह जाता है, पैसे पहले चाहिए होते हैं, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो कितने पैसे बना सकता है, कितने पैसे उसके बन जाएंगे, क्योंकि शौक तो होगा, बहुत सारे लोगों को शौक होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम पैसे, प्रायोरिटी पैसे को देंगे जी, तो इतना पैसे मिल जाते हैं कि अगर वो उस फील्ड के अंदर डाइव इन होना चाहे पूरा, उसको बहुत शौक है पेंटिंग बनाने का, तो गुजारा बसर गुजर बसर हो जाएगा। देखिए ये इंटायरली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये इंटायरली डिपेंड करता है हाउ अ पर्सन वांट्स टू टेक देयर बिजनेस, बिकॉज मैं स्ट्रैटेजीज तो बता सकती हूँ, मैं टूल्स भी बता सकती हूँ, बट देन आगे एक पर्सन की कितनी विलिंगनेस है उस चीज़ को आगे ले जाना, क्योंकि बात सिर्फ पेंटिंग बनाने की नहीं होती, बात होती अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को ढूंढना, उस ऑडियंस को टैप करना, और फिर आगे फिर सेल करना, और फिर कंसिस्टेंटली अपना काम अच्छी तरह करते रहना, क्योंकि हमारा एक ये भी बहुत मसला होता है कि जब हम एक्चुअली ज़रा तरक्की करना शुरू होते हैं तो हमारी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स थोड़े से जो है ना वो कम हो जाते हैं, तो आई थिंक वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है हर इंडस्ट्री में, वो कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, प्रोडक्ट हो, आई थिंक आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मुझे ये तो आपने बहुत सवाल मेरे बारे में पूछ लिया, मुझे आप थोड़ी अपनी जर्नी बताएं, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि आप बहुत एक इंटरेस्टिंग, जब मैं आपके ऑफिस में एंटर हुई तो आई सॉ मल्टीपल थिंग्स, पॉडकास्ट तो वॉज जस्ट वन ऑफ द थिंग, तो आप मुझे थोड़ा अपनी जर्नी से वॉक थ्रू करें। अच्छा, मुझे लगा आप सवाल करेंगे, स्टार्टिंग में हम कोई डिस्कशन कर रहे थे, मैं भूल गया वो सवाल, आई थिंक कोई सवाल था आपका, उसको मैंने कहा था मेरे पॉडकास्ट में पूछ लीजिएगा, आई थिंक वो भी कर लूँगी, डोंट वरी, याद है मुझे, वो भूल गया आपका एग्जैक्टली सवाल, कि आप यही जानना चाह रहे हो कि मैं क्या करता हूँ इस वक्त? मैं आपकी जर्नी जानना चाह रही हूँ, थ्रू आउट द जर्नी जी। एक मिनट, 30 सेकेंड में बता सकता हूँ मैं आपको, मैंने एलिवेटर पिच रेडी की हुई है अपनी। ओह वाओ, तो मैं आपको 30 सेकेंड के अंदर बता सकता हूँ, 30 मिनट, सॉरी रॉन्ग मैंने बोला, 30 सेकेंड से बता सकता हूँ जी, बताएं। मैं तहसीन इस्लाम, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, मैं जो एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ, जो हमारी कंपनी है एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग की सर्विसेज दे रही है सिंस 2006 के अंदर, यूएसए के अंदर, हमारा 5000 का डेटा बेस है, यानी कि क्लाइंट्स जिनको हम रिटेन कर रहे हैं, और 2006 से जो कस्टमर्स हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। मेरी सेकंड जर्नी जो है, मैं अमेज़ॉन पे ब्रांड्स बेचता हूँ, मेरे अपने मल्टीपल ब्रांड्स हैं, tahseenislam.com पे जाएंगे तो आपको दिखेंगे। मैं थर्ड जर्नी में आजकल पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे 28,000 तकरीबन इस वक्त सब्सक्राइबर हैं, आजकल मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, नए नए लोगों से मिलता, जैसे आपके साथ मिल रहा हूँ, तो नए लोगों का मैं टाइम लेता हूँ और उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ कि यार हम किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द न्यू थिंग। मैं अब थोड़ा साइड में, 30 सेकंड की एलिवेटर पिच खत्म हो गई है। अच्छा, अब जैसे आप आई तो मुझे एक नया स्कोप मिला कि दिस इज़ समथिंग, कि ऐसा भी दुनिया में हो रहा है कि हम, मैंने कभी शायद ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि आर्ट को भी हम इस तरह से बेसिक आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा कल्चर है, एंड इट्स ब्यूटिफुल, आर कल्चर इज़ ब्यूटिफुल, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूथ, द जनरेशन जो हमारी और आपकी जनरेशन है, कि हम अब एक ब्राइट साइड पाकिस्तान की शो करें, हमारा कल्चर, वी आर सो रिच इन कल्चर, तो वो प्रोवाइड करें, वो प्रमोट करें, एंड वो ईजिली एक्सेसिबल करें ना लोगों के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि देर सो, हम पाकिस्तानियों में क्यों रिस्ट्रिक्ट करें, देर सो मैनी नेशनैलिटीज़, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लेबनीज हैं, इजिप्शियन हैं, दे गेट सो इंट्रीग्ड बाय पाकिस्तानी आर्ट, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सो डिटेल्ड, तो आई थिंक इट्स सो सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी यूथ है, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें। पर अभी इन यूथ का जो प्रॉब्लम है ना, अभी मैं आपका पॉडकास्टिंग कर रहा, तो मुझे उनको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो सीरियस नहीं है, इज़ इट राइट जी, क्योंकि वो भी स्क्रोलिंग में इतने बिजी हैं, तो अगर यूथ की बात करूँ, जो पुराने हैं वो बेचारे क्राइसिस में इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि वो कुछ नया नहीं सोच पाते हैं। आई अग्री एंड डिसअग्री, बट आई ऑल्सो फील कि यूथ जो है वो आजकल, यूथ को बहुत जल्दी है मिलियनेयर बनने की, यूथ हालांकि मिलियनेयर्स हम हैं जी, वो बनना वो चाहते हैं, उनको पहले पैदा होना था ना तो यूथ को ये बहुत आई थिंक जल्दी लगी हुई है किसी तरह के, वो कॉलेज से ग्रेजुएट भी ना करें और अपनी बिजनेस से शुरू कर दें, और वो
बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग है. तो बट आई फील कि एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है आपका, यू नो, आपको यूनिवर्सिटी ग्रूम करती है. इट्स नॉट ओनली कि आप एक बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री, वो पूरी आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है इन टू द रियल वर्ल्ड. बट आई थिंक आजकल का जो हमारा यूथ है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैक रास्ते ढूंढ रही है. चलिए एक सवाल और है जी, आप कैसे अपने आप को अप टू डेट रखती हैं ट्रेंड के अंदर, क्योंकि ये भी मैंने देखा कल्चर वाइज भी चेंजेस आते रहते हैं. तो आई वांट टू नो कि व्हाट द एग्जैक्टली रिसोर्सेज डू यू हैव, या आप अपने आप को कैसे अपडेट रखती हैं. तो ऑनेस्टली मुझे बहुत शौक है पढ़ाई का, और आई एम अ वेरी कीन लर्नर. मैं बचपन से हमेशा बहुत शौकीन रही हूँ यू नो पढ़ाई की, और अभी भी जब एक ये पूरा AI आ रहा है तो आई एम डूइंग अ होल कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग विद AI, क्योंकि मुझे एक्चुअली समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और कैसे हम उसको अपने बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. तो यस, मैं एक्चुअली बहुत शॉर्ट कोर्सेस करती रहती हूँ. मैं बहुत अपने जो लेट्स से मेंटोर्स हैं उनके बहुत एडवाइस फॉलो करती हूँ. तो इस तरह इसमें एक सवाल और है जी, जो मुझे काफ़ी अर्से से था जो आपसे मैं कर सकता हूँ आई थिंक, मुझे लगता है क्योंकि आप बुक रीडिंग कर रही हैं, वीडियोज़ देख रही हैं, और पॉडकास्ट में आप आई में तो डेफिनेटली वो भी सुनती होंगे. तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि सबसे आसान सीखना तरीका किससे, क्या वीडियो से हम ज़्यादा आसान तरीके से सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं, या पॉडकास्ट से सीख सकते हैं? तो आई थिंक एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, और हर एक के लर्निंग के वेज आर डिफरेंट. जैसे आई रियली इन्जॉय रीडिंग, बट मेरी जो बहन है उसको वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है. तो आई थिंक उसको वो वीडियो से वो ज़्यादा बेहतर सीखती अगर मैं उसको एक बुक दे दूँ, और मैं बुक से बेहतर सीखूँगी अगर वीडियो. अब आप मुझे बताएं आपको किससे ज़्यादा शौक है, अगर आपको गिवन एन अपॉर्चुनिटी. आई डोंट थिंक आपको बुक्स से सीखने का इतना शौक है. लेकिन मुझे लगता है कि बुक से जल्दी होता है. जल्दी होता है रियली? हाँ, क्योंकि मैं 90% मेरा वैसे तो मैं वीडियो की साइड पर आ गया हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. इसमें दो हिस्सों में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. वीडियो में टाइम लगता है? हाँ, वीडियो बुक के तो 600 पेजेस होते हैं. वो आसान होते हैं. मैं आपको स्किपिंग होती है ना, स्किप उसको, वो बहुत आसान. आपका कोई काम नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज अगर पूरा कंटेंट एक दफ़ा में भाग. मैं इसको दो तरीके से समझा सकता हूँ. अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज, अगर आपको नॉर्मल रीड करना है ना, जैसे आपको पढ़ना है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं जी, या आपको सीखना है कंपनी कैसे खोलनी चाहिए, या आपको जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं आता, किसी को मोटिवेट करना है, दिस इज़ नॉट द समथिंग टेक्निकल लैंग्वेज है, दिस इज़ द एक्टिविटी हम करेंगे, तो वो आप बुक से कर सकते हैं. इज़ द सिंपल थिंग, क्योंकि आपको जो चीज़ आपने अगर 600 पेज में 1000 पेज की ख़त्म कर दी, तो मुझे पता है कि ये मुझे पता है. Exactly. तो आपके पास स्किप का ऑप्शन होता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं आता. स्किम एंड स्कीमिंग के ला, स्किम एंड स्किपिंग के लाती है. देर इज समथिंग वर्ड स्किमिंग, यू स्किम थ्रू द बुक. एक वर्ड है, एक मैंने कोर्स किया हुआ बुक पढ़ने का भी. अच्छा, नाइस. कहाँ से? तो मुझे उसका वर्ड नहीं आया, तो उन्होंने मुझे पूरा बुक पढ़ने का तरीका बताया. अच्छा. पहले मैं वो गलती करता था जो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मैं उसको पढ़ता रहता था दोबारा. और दूसरा स्किम करने का, यानी कि एक वक्त में आप एक कर लेते हैं, एक वक्त में एक, मतलब जब मैं देखूंगा ना तो मैं पूरी लाइन एक दफ़ा में देखूंगा. मतलब ये नहीं करूँगा वी आर गोइंग देयर, तो मुझे पता है कि जा ही रहा होगा, तो हम देयर देखेंगे ये वहाँ गया, एंड देन स्कीमिंग ऐसे करते पढ़ता हूँ मैं. ओके ओके. मतलब इसको नहीं, मैंने पूरा कोर्स किया बेसिकली. ओह नाइस. कहाँ से? आई थिंक ये US में था कोई कोर्स ऑनलाइन, 140, ये मैंने कोविड में किया था. अच्छा. तो मैंने स्किम एंड स्कैनिंग के लाते, स्किम एंड स्कैनिंग ये कोर्स का नाम है. मैंने कोविड में हीलिंग के कोर्सेज किए थे, आई थिंक मेंटल हेल्थ लोगों NLP मैंने चक्रा हीलिंग कोर्स किया था, और मैंने थीटा हीलिंग किया था. तो दीज आर डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ हीलिंग, एंड आई फेल्ट कि मेंटल हेल्थ लोगों की क्या चीज होती है, सफ़र हो रही थी कि एक्चुअली डिफरेंट वेज ऑफ हाउ टू हील योर चाइल्डहुड ट्रॉमा और योर यू नो योर डेली इश्यूज इन लाइफ, हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू कोप बेटर. तो दे से कि आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं. चक्रास? जी. और कुछ जो आप बहुत दफ़ा कुछ बोल नहीं पाते, वो आपका थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, तो या आपका हार्ट चक्रा. सो या देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, एंड देन दे आर देज. ये भी ऑनलाइन है? ये भी ऑनलाइन था. ये मैंने अमेरिका में हो रहा था, तो मैंने ऑनलाइन ये किया था. मैंने योगा की सर्टिफिकेशन ली थी कोविड में, बिकॉज सब घर में बंद थे, एंड आई फेल्ट के बीइंग फिजिकली. तो किस नाम से कोर्स आपने बताया? ये है चक्रा करके जाकर ढूंढना पड़ेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी. जेम्स शर्पिंग है, वो बहुत फेमस है, तो वो ये कराते हैं कोर्सेज.
इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा था कि मुझे ना बुक रीडिंग का ज़्यादा आसान लगता है, आंटी ना सब जैसे लीडरशिप के बारे में पढ़ना चाहते हैं जी, तो वो मुझे लगता है कि आपको वीडियो से नहीं करना चाहिए बुक में, क्योंकि बुक बहुत ऑथेंटिक और बहुत पुराने, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आज पता चल रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी लोगों ने बहुत रिसर्च की हुई है मैस्लो हायरार्की और ये वो सारा का सारा सिस्टम, तो मुझे लगता है कि वो बुक से आपको करना चाहिए, कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए वीडियो में, क्योंकि वीडियो में आप एक तो टाइम कंज्यूमिंग, आपको वो दो घंटे के बाद बताएगा, वो मेरे ख्याल से आधे घंटे में कर सकते हैं, जब आप इसकी मेन स्कैनिंग करेंगे तो पूरी पूरी बुक आप दस बुक पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली, तो दस पंद्रह पंद्रह बुक में एक बंदा रखा है, जो सिर्फ थोड़ा सा ये कि हम खरीद नहीं सकते, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो उसको डाउनलोड करता हूँ, वो मैं पूरी जितनी भी अमेजोन पे होती है ना वो सारी निकाल लेता, जो फेमस चल रही होती है, तो उसको रीड मारा, जल्दी जल्दी स्किप करा। अभी कौन सी रीसेंट आपने पढ़ी है? अभी रिसेंटली मैं जो ना एक बुक थी कैश फ्लो की, कैश मैनेजमेंट फ्लो की, अच्छा, तो उसमें उसका टाइटल बहुत अच्छा था, उसने टाइटल ये रखा था कि पैसे बचाने से नहीं पैसे खर्च करने से अमीर बनते हैं, तो उसका वो टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, उर्दू में बताया मैंने, डोंट सेव मनी एक्सपेंड द मनी, तो उसका कल मैं जब सुन भी मैं कर, मेरे पास एक ऐप है अमेज़ॉन की, वो उससे आप लिस्टिंग भी कर सकते हैं, जब मैं जिम में था तो मैंने उसको लगाई हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई है, तो बोला था कि आप पैसे को सेव ना करें, क्योंकि सेविंग एवरी ईयर मैं उसको छोटी छोटी समझ देता हूँ, तो मुझे वो बात समझ में आई, आपने के पास आज 1 लाख रुपए रखे हैं, चले लोग कहेंगे यार पैसे भी नहीं रखे, डॉलर में रखने हैं, डिप्रिशिएट नहीं होगा जी, उसका भी डिप्रिशिएट हो रहा 3-5% जी, अगर आपने उसको बैंक अकाउंट में सेव किया हुआ, अगर आपने 1 लाख आज रखा हुआ अगले जाएंगे तो वो 90,000 की परचेजिंग होगी, चाहे आप यूएस में रहते हो चाहे डॉलर में करें, तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करें, या तो आप एक्सपेंस करें स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं पढ़ना आता है, तो मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करें या स्टार्टअप इन्वेस्ट कर दें, या फिर अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कर दें आप उसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक लर्निंग इज वेरी, पूरा फोर ग्राफ वो बताता है, कहता है कि आपने बचाने नहीं है जी, अब जब आप अपने इन्वेस्ट अपने आप के ऊपर करेंगे या अपने आप पर खर्चा करने का बोला उसने, तो आप उससे 4 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं एग्जैक्टली, और अगर आप स्टॉक में जाते हैं तो वो जो आपने रखे हैं वो 1 साल बाद आपको 1 लाख ही मिलेगा, 1 लाख 10 हाँ, मिल जाएगा, कहता सेव नहीं करें मनी जी, तो वो कॉन्सेप्ट उसका बहुत अच्छा था कि हम नॉर्मली करते हैं कल के लिए बचा लें, तो आपने शुरू की है स्पेंडिंग? मैं तो ऑलरेडी करता आ रहा हूँ मैं तो शुरू से करता, मैं तो बस थोड़ा सा ये होता है कि जो क्रिप्टो और इस साइड पर अगर जाए ना, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जहनी टॉर्चर करते हैं कि वो सुबह मार्केट चेंज हो गई है, या अगर स्टॉक में मेरा पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट है और मेरा यूएस में भी है जी। पर मैंने उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है मैं बीमार जल्दी हो जाऊँगा अब आप सुबह उठे आपकी प्राइस की वैल्यू है $5 लाख, अगले दिन आप उठ रहे हैं $4 लाख, किसी दिन आप उठ रहे हैं $10 लाख जी, और किसी दिन उठ रहे हैं वो $1 लाख हो गया जी, तो आदमी वॉलेटिलिटी बहुत है वो यार ये नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया पर मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि यार ये ऐसा ना हो मुझे कोई बीमारी मारी लग जाए आप इतना टेंशन में रहेंगे ना एग्जैक्टली हर वक्त ही देखते रहो कि अब क्या हो रहा है, भले आप कितने स्मार्ट हो, भले आप हफ्ते में 1 दफ़ा देखें, पर आपको साइकोलॉजिकली होता है। और जहाँ हम वीडियो की बात कर रहे थे, वीडियो में ये था कि अगर आपको वेबसाइट बनाना सीखनी है तो आप किताब से नहीं पढ़ सकते पर एग्जैक्टली, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है जी, तो इस वजह से मैं कहता, लेकिन मुझे पॉडकास्ट पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे अगर थर्ड में इसलिए आपसे ये सवाल किया था, तो एग्जैक्टली पॉडकास्ट में आपको क्या लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है? आई थिंक इट्स सो इन्फॉर्मेटिव बिकॉज पॉडकास्ट में वो यू नो आजकल सब इतने बिजी हैं, उनके पास वो टाइम नहीं होता, सो मेनी टाइम्स जब मैं इंस्टाग्राम पे होती हूँ और वो 30 सेकेंड की जो रील मैं देख लेती हूँ, दैट इज़ सो इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ सो एक यू नो कोई क्वेश्चन जो कोई आंसर कर रहा हो या कोई क्वेश्चन जो किसी ने पूछा हो, यू नो कभी वो 2 मिनट वो 2.5 मिनट वो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको सॉलिड इन्फॉर्मेशन, और वो आपका अटेंशन स्पैन भी उस वक्त इतना होता है कि आप वो फोकस कर रहे होते हैं। तो फॉर मी पॉडकास्ट हैज़ बिन वेरी एक्चुअली आई वॉजेंट मुझे पहले पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था, बट जब मुझे इसका फ़ायदे मैंने खुद देखे इसीलिए मैं अब पॉडकास्ट शोज़ करना शुरू हुई, बिकॉज आई रियली एंजॉय इट। मैं भी आपको थोड़ा सा अपना शेयर करता हूँ, 2-वे कम्युनिकेशन है राइट, आपको मेरी सुननी पड़ेगी बिल्कुल ऑफकोर्स। तो मुझे जब मैं पॉडकास्ट करता था ना, तो मैं वैसे ही करता था कि ठीक है चले पॉडकास्ट, लेकिन जब मैंने खुद क्योंकि मुझे करना था तो मुझे सीखना भी था, तो मैं खुद जाके सुनी तो मैंने देखा इसका तो बहुत फायदे है एग्जैक्टली, मेरे पास रूम बना नहीं, मुझे लेकिन यही पता था इतने, तो एक परसों ही मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, एक यूट्यूबर थे, उन्होंने एक बड़े अच्छी कंपनी के आईडी कंपनी के जिनको मैं पर्सनली भी जानता था, मैं इन्वाइट नहीं कर सकता या मुझे याद नहीं आया, उन्होंने उसके साथ पॉडकास्ट की थी,
तो उनका जितना भी एक्सपीरियंस था मैंने देखा उसको, और वो सवाल इतने ज़बरदस्त उस बंदे ने किए हुए थे, और मुझे उसका पूरा जो 20 साल की जर्नी थी मैंने वो 1.5 घंटे में अपने पास ट्रांसफर कर ली। एग्जैक्टली और फिर बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ अगर हमारी पॉडकास्ट में मच्छर नहीं आते उसकी पॉडकास्ट में। अच्छा फिर मुझे पता चला कि सिर्फ हमारी पॉडकास्ट का कैमरा हीट नहीं करता, उसकी पॉडकास्ट का भी कैमरा हीट कर रहा था। तो मुझे पता चला कि बाद में सिर्फ हमारे साथ लाइट का मसला नहीं, अगर हम पॉडकास्ट करते करते लाइट चली गई तो उसके साथ भी मसला है जी। तो फिर पता चला कि जो हमारा साहिल हमारे साथ हैं वो जो कंपनी जो बहुत बड़ा $10 million या मतलब कितना $1 million की वो कंपनी चला रहा है, या उसके पास आई थिंक 300 employees थे, 1300 employees थे या 13,000 employees थे, देयर इज समथिंग जीरो का मसला आ सकता है। बहुत मेजर मसला है ये बाय द वे, 1300 और 13,000 इज अ ह्यूज, ये पता नहीं क्या था, 13 याद रह गया मुझे। कुछ एम्प्लॉइज थे उनके अपने, तो उनके साथ भी वही जर्नी के मसाइल, लाइट पानी बिजली गैस टेलीफोन। तो मैंने कहा इसका मतलब है अमेरिका में नहीं है, पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी कंपनियां मुझे पैसे देंगे तो मैं ब्रांड नेम ले दूंगा। आपको ब्रांड नेम नहीं देता, मुझे कोई पैसे नहीं देता। पैसे आपको मिलती है ब्रांड एंडोर्समेंट्स? हाँ मिलती है। दैट्स नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। एक दो दफ़ा मिली है और एक दफ़ा वो खुद भी कर लेते हैं। अच्छा फिर ये करते हैं कि जैसे पॉडकास्ट चली तो वो खुद भी मार्केट करते हैं उसको जी, तो उसमें समटाइम वो हमारे पास ट्रैफिक ड्राइव होकर आ रहा होता है। दैट्स नाइस। कभी कभार कोई रिसोर्सेज देते कहते हैं डिस्प्ले कर दें कर दें, तो वो भी हमें, अभी तो हमारा प्लान है कि यहीं लगा देंगे हम कुछ चीज़ें से। नाइस इंटरेस्टिंग। तो इस यहीं लगा के हमको थोड़े पैसे कमाना शुरू कर देंगे। क्यों नहीं है ना, तो मैंने ये सोचा कि हम कोई पीछे एक प्लान कर रहे हैं कि कोई लगा देंगे स्पॉन्सर टाइप कि अगर किसी ने पैसे देने होंगे तो। क्यों नहीं, अगर आपको एंडोर्समेंट्स मिल रही है तो व्हाई नॉट। चले आज आप पॉडकास्ट में ही, तो मुझे जो दूसरा सवाल था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि मार्केट ज़्यादा कहाँ अच्छी है, दुबई में अच्छी है, पाकिस्तान में अच्छी है? पाकिस्तान में तो डेफिनेटली, लेकिन हम ऐड कर लेते हैं या यूएसए में है या कैनेडा में है। आई थिंक मार्केट तो इंटीरियर्स की हर जगह ही है, बिकॉज अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, हर एक को अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट है, एक स्पेसिफिक चॉइस और ऑप्शन है कि उनको कैसे अपना घर या अपना ऑफिस डिज़ाइन चाहिए। जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी और आप कहते कि यू नो मेरे इतने आइडियाज़ हैं अपने ऑफिस को लेके, तो नाउ इतना नैरो डाउन हो गया वे एवरी वन नोज व्हाट दे वॉन्ट कि दे, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हायर प्रोफेशनल हेल्प। इट्स लाइक यू नो मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ लेकिन मैं पैनाडोल खा के सही हो जाऊँगी, मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ। सो आई थिंक फॉर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनर्स आर एक्चुअली द प्रोफेशनल एजुकेटेड स्किल्ड पीपल इन दैट फील्ड, कि जब आप कहें कि मुझे अच्छा ये कमरा ऐसे चाहिए, तो यू नो दैट इज़ इट्स बेटर टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, तो आपको पीस ऑफ माइंड हो एंड देन यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर गेटिंग। इन दुबई हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ, बहुत स्टोर्स हैं दैट प्रोवाइड रेडीमेड फर्नीचर, दैट हैव अ लॉट ऑफ यू नो स्टेजिंग आइटम्स, बहुत वैरायटी की ऑप्शंस हैं। आई फील यहाँ पे बहुत कस्टमाइजेशन ऑफ फर्नीचर होती है। आई हैवंट रियली वेंचर्ड इन टू दिस मार्केट बिकॉज मैं दुबई में रहती हूँ, बट ऑफ वॉट आई हैव सीन कि यहाँ पे आप फर्नीचर ज़्यादा कस्टमाइज होता है, डिज़ाइन होता है, यू नो लंबा टाइम लगता है 2 से 3 महीने बनने में। दुबई में बिकॉज स्टोर्स हैं, रेडीमेड फर्नीचर अवेलेबल होते हैं, तो 2 हफ्तों में 10 दिन में आप एक घर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आई फील वो रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। प्राइस का इशू नहीं लगता आपको? प्राइस रेंज भी वेरी करती है, बट वो डिपेंड करता है क्लाइंट बेस पे, वो डिपेंड करता है बजट्स पे, हर एक अपने बजट्स होते हैं, हर एक किसी का यू नो, बिकॉज दुबई में तो आप इटली से भी कुछ सोर्स कर सकते हैं, आप मिला यू नो पेरिस से भी कुछ सोर्स कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स क्लाइंट का बजट वो भी है। कुछ क्लाइंट्स का बजट होता है जो बिल्कुल बेसिक हो, तो यू नो उनको चाइना की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द बजट्स। आई फील पाकिस्तान में भी यही चीज़ है। मुझे पता नहीं कि आपसे बात करते ऐसा लग रहा है आप भी हमारी तरह तो नहीं करते यार, गूगल पर डाल के वॉल को कैसे डिज़ाइन करें तो वहाँ से जाके देखते हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने कहा फ्रांस से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी, तो मैंने कहा आप वहाँ पे गूगल पर डाल के तो चेक करें थे कीवर्ड क्या इसका, इस वॉल पर क्या आ सकता है, तो हमने वहाँ पर डाला। नहीं नहीं, बिकॉज यू नो आई इन्जॉय इट, इट्स माई पैशन, तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो डिज़ाइन करने का, और जब मेरा वो डिज़ाइन एग्जीक्यूट होता है ना तो इट मेक्स मी। उसको ट्रांसफर कैसे कर दिए मतलब? तो हमारी एक्चुअली मेरे ऑफिस में हमारे एक टीम है, हमारे ड्राफ्ट्समैन है जो सारे रेंडर्स बनाते हैं, और जब वो रेंडर्स अपने मेरे क्लाइंट को हम प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो वो सारे अप्रूव होते हैं। जब क्लाइंट अप्रूव करता है
तो मतलब पेपर में बनाते हैं कंप्यूटर में, ऑटोकैड पे, ऑटोकैड के ऊपर बना के जी 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 उसके ऊपर। अब क्या कलर ऑटोकैड पे तो सिर्फ लाइंस होती होंगी ना, उसमें कलर ऑटोकैड होता है, स्केचअप है, सो दे आर डिफरेंट। अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो स्केचअप पे वी हैव ऑल द कलर्स ऑप्शंस। तो चैट जीटी भी यूज नहीं करती? नहीं, ये बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। नहीं, आई नो, बट वो नहीं, आई डोंट थिंक वो पर्सनलाइज्ड है। लाइक यू नो, आई जस्ट फील के जैसे यू नो आपका एक प्रेफरेंस है अपने रूम के लिए, और अगर मैं उस तरह यू नो आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूं और समझाऊं कि ओके आप कहें कि मुझे इस रूम में ये एक डेस्क भी चाहिए, एक सोफ़ा भी चाहिए और एक पूरा पॉडकास्ट एरिया भी चाहिए, तो आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि बिकॉज़ यू नो बहुत दफ़ा जगहें बहुत क्लटर लगती हैं, हर चीज़ वहाँ पे घुसाई हुई है। तो आई थिंक माय स्टाइल इज़ मोर कि लेस इज़ मोर। आई लाइक कि जगहें ज़्यादा खुली लगें, ज़्यादा बड़ी लगें, एंड यू नो नेचुरल सनलाइट मुझे बहुत पसंद है, सो आई प्ले अलॉट विद दैट। एंड आई थिंक चैट जीपीटी एंड ऑल ऑफ दैट इज़ नो, लाइक आई कैन यूज़ इट टू माई बेनिफिट कि वो उनका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर कर दो, बट नहीं, द डिज़ाइन हैज़ टू बी द क्लाइंट एंड मी, एंड यू नो द क्लाइंट एक्सप्लेनिंग इट टू मी एंड देन मी कमिंग अप विद माई ओन। आपको लगता है फ्यूचर में थोड़ा सा काम करेगा आके जाके? अभी तो थोड़ा स्मार्ट नहीं हुआ जी, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके थोड़ा बहुत उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी? आई एम श्योर आ जाएगी, आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर इट कैन ऑल्सो कम एज अ थ्रेट टू इंटीरियर डिज़ाइनर्स, बट ऑल्सो दैट इट विल ऑलवेज लैक दैट ह्यूमन एलिमेंट, दैट ह्यूमन टच। वो तो नहीं कर सकते, तो वो यू नो, एंड आई थिंक वो हर डिज़ाइन में बहुत पर्सनलाइज होता है, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइन इज़ लाइक अ साइकोलॉजी, यू नो क्लाइंट, इतनी दफ़ा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए, सो आई बी लाइक ओके, बट जब हम बात करना शुरू होते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए, एंड जस्ट यू नो when then they enter the space, वो इतने खुश हो जाते हैं कि oh wow, but it's exactly what they wanted. But you know sometimes आप 10 जगहें जाते हैं, आप you are confused कि पता नहीं ये अच्छा लगेगा या नहीं, तो in that process we come together and we say कि नहीं, you know ये इस तरह अच्छा लगेगा, ये इसके साथ अच्छा लगेगा, and that's how it. तो आप उसको कैसे इमेजिन करते होंगे कि वो? तो मुझे किताब याद आ गई जिसमें कहते हैं कि विजुलाइजेशन करें, विजुलाइजेशन करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक आप उसी तरह से अपने दिमाग में, वो जो कार्टून नहीं होता वो जिसमें ऊपर सोच रहा होता है, हाँ वो ऊपर, हम बचपन में कार्टून देखते थे, ऊपर वो सोचता था मुर्गी जा रही है तो पक्की भी उसको दिख जाती थी, तो ऐसे आपको इमेजिन करते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो ये जब हमें क्लाइंट ब्रीफ देते हैं तो देन वी गो बैक, हम यू नो इंस्पिरेशनल इमेजेस लेते हैं, फिर हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं और वो इंस्पिरेशनल इमेजेस को कंबाइन करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पे जाके देखते हैं कि क्या कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिर उन बेसिस पे मूड बोर्ड्स बनते हैं, मूड बोर्ड्स के साथ फिर सैम्पल बोर्ड्स बनते हैं जिसमें मटेरियल होता है जिसको क्लाइंट एक्चुअली, अगर वो हम मार्बल यूज़ कर रहे हैं या ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं तो क्लाइंट को पता होता है कि कौन से किस्म का मार्बल है, कितने ग्रेन्स हैं, फिर हम रेंडर्स दिखाते हैं, हर वॉल के रेंडर दिखाते हैं, मूड बोर्ड्स दिखाते हैं, तो क्लाइंट को एग्जैक्टली पता है ऑन पेपर कि कैसे कमरा लगेगा, और फिर हम जाके सोर्सिंग करते हैं। बहुत बहुत टाइम ड्यूरेशन वाला काम है, बहुत डिटेल्ड काम है, डिटेल्ड, सो एंड आई थिंक डिटेल्ड, ये जो लिटिल इंट्रिकेसीज होती हैं ये आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट ब्यूटिफाइज द होल थिंग। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको अपने ऑफिस का भी विजिट करा दूँ एक, ज़रूर, ताकि कुछ आइडिया तो आप दे दें। और मैं ये सोच रही कि अब मेरी सारी बिजनेस की जो है ना वो डिटेल्स और सारी जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, तो अब आप मुझे थोड़ी अपनी बिजनेस की डिटेल्स बताएं, अपनी अमेज़ॉन की जर्नी बताएं, अमेज़ॉन पे आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, डू यू थिंक मेरी आर्ट आपके अमेज़ॉन पे आ सकती है? आ सकता है, आ सकता और है, बहुत महंगा बिकेगा। एंड डू यू थिंक इट विल हेल्प पाकिस्तान इन एनी वे? माई मेन एम इज़ टू प्रमोट एंड टू हेल्प गिव बैक टू माई कंट्री। आप एटसी पे चले जाएं, द प्लेटफॉर्म इंस्टेंट, कि आप अमेजोन पे जाएं, बिकॉज हमें ये देखना पड़ता है कि किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह का लोग आ रहा है, ठीक है ना? तो आई थिंक जो क्रिएटिविटी वर्क हो रहा है वो सारा एटसी के ऊपर हो रहा है, अमेजोन के ऊपर जो है वो डेली का सामान चाहिए किसी को, जैसे हमारे, अगर मैं इसको समझाऊँ तो आप इम्तियाज़ किस लिए जाते हैं? इम्तियाज़ चाहते हैं आपको आटा, तेल, घी, चीनी, पर कभी भी आप शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, आप ड्रेस के लिए वहाँ नहीं जाएंगे, अगर वहाँ पर बहुत अच्छा भी ड्रेस होगा नहीं जाएंगे, शूज़ भी आप खरीदते हुए सोचेंगे अगर आपका दिमाग, लेकिन आप लकी बन अगर जाते हैं तो यू ऑलरेडी नो कि मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस लेना है या मुझे अच्छा शूज़ लेना है, चार पांच ब्रांड्स होंगे, मैं उसमें चेक करूंगी कल्चर डिटेल्स एंड देन वी कैन बाय। तो आई डू रिकमेंड कि जो आपकी पेंटिंग है वो आप, हम करते हैं कि एटसी के ऊपर जो कल्चर है वहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिव क्रिएटर्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, इसके प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अच्छा अच्छा, तो अब अगर वहाँ जाएंगी
तो वहाँ ज़्यादा आपको और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं तो खुद आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन आपने नहीं बताया, मैं बता दूँ $500 तक की मैंने देखी जो यहाँ पे हमारे यहाँ 5-5 हज़ार रुपये की बिकती है जी। पर इट्स डिपेंड कि आप अपने आपको ब्रांड कैसे करते हैं, अपने आपको कल्चर कैसे करते हैं। मेंटिंग मैंने देखी है, मैं रिसेंटली एक मेरे पास थी, एक आई थी ईरम, आई थिंक इज़ द सेम नेम और समथिंग कुछ, तो उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा बना हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे जो चैलेंज है ना, ये बेचने का मसला नहीं है, जो चैलेंज है यहाँ पाकिस्तान से कनाडा भेजने सोर्स करने का, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ सिस्टम है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता है। एक पेंटिंग आप अगर कोई आर्ट दे लें, ठीक है, तो यहाँ पे 3-5 हज़ार का वहाँ 100-200 डॉलर का बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है जी। तो लोग, मैं उनको बोलता हूँ इससे बेहतर है कि तो किसी चाइना को बोलो, वहाँ बनवा लो उसको, उसको अपना आइडिया ट्रांसफर करो, वहाँ से वहाँ भिजवा दें, तब भी सस्ता पड़ेगा जी। तो यहाँ से हमारा जो भी इनपुट और आउटपुट, यानी क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट डू यू थिंक वो बेहतर होने वाला है इन द गिवन टाइम फ्रेम? नहीं, यू थिंक और चैलेंजिंग होने वाले? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ मसाइल सियासत पे नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। मैं भी नहीं हूँ जब भी आप जा सकते, मैं नहीं जा सकता, फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्टर ग्रुप में से भी एक बंदे को किसी को उठा के ले। ओह माय गुडनेस, रियली, क्यों? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बट क्या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक? हाँ, उसने किसी सियासत के ऊपर कर दिया, मैं ग्रुप में आई थी, आई थिंक ये सैटरडे को एक आई थी, हमारे पॉडकास्टर ग्रुप में कोई एक बंदा है और वो सब पूछ रहे थे ये कहाँ कहाँ है, किसी को कुछ पता हो, तो मैंने कहा बस अब तो अल्लाह बचाएगा इसको, और कौन बचा। उसने किसी पॉड किसी सियासतदान के साथ कर लिया आसान अल्फाज में, यानी कि जैसे होते हैं, आपको पता होगा हम नाम नहीं ले सकते, ABCT इधर तो ना ही लेना। हाँ, तो आप तो चली जाएंगी, मैं कहीं और चला जाऊँगा, आप तो दुबई चली जाएंगी, मैं कहीं और चला जाऊँगा, तो वो सियासत पे थोड़ा सा हमारे यहाँ मसाइल है। और आई डू, मुझे बकाया था उसमें पोस्ट आई थी ग्रुप के अंदर हमारे पॉडकास्ट, उसमें क्या अभी आप सियासत से थोड़ा दूर रहें, कर सकते हैं सियासत में, बट यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स के भाई एग्जैक्टली आपका एक इदारा क्या कर रहा है, तुम्हें नाम भी नहीं, इदारे का नाम ले लूँ मैं, ऐसा ना हो कि मैं फिर फंस जाऊँ, तो एक इदारा क्या कर रहा है, दूसरा इदारा क्या कर रहा है, तीसरा इदारा क्या कर रहा है, तो आप वो ना डिस्कस करें, आप उनसे फ्यूचर प्लान डिस्कस कर सकते हैं, उनसे जर्नी डिस्कस कर सकते हैं, थ्रू आउट द कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अभी मुझे नहीं लगता कुछ भी है। अच्छा, मैं तो खुद सोचता हूँ कि भाग जाऊँ मैं यहाँ से, रियली मुश्किल है थिंग्स। आपने मेरा ऑफिस विजिट किया है, ठीक है, अब दुबई में रहती हैं, वही वजह बताऊँ, सिर्फ एक वजह, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, वो $2,000 का है। रियली? आपको पता है, और उल्टा आई थिंक, क्योंकि मुझे बहुत शौक है पाकिस्तान में काम करने का, मुझे इतना शौक है, बिकॉज आई फील कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, आई जस्ट फील दैट इट्स टाइम दैट यू नो आई शुड गिव बैक टू माय कंट्री एंड आई शुड यू नो जो ट्रेंड्स वहाँ पर हैं, जो स्टाइल्स वहाँ पर हैं, वो यहाँ पर हम इनकॉर्पोरेट करें और लोगों को अवेयर करें कि यू नो इंटरनेशनल क्या हो रहा है और लोगों को बताएं। तो मुझे तो बहुत शौक है कि मैं पाकिस्तान में काम करूँ, इसीलिए मैं पाकिस्तानी आर्ट प्रमोट कर रही हूँ। कितने अर्से पाकिस्तान में रही हैं थ्रू आउट द जर्नी? पाकिस्तान में कितना टाइम गुजारा? सो इट्स बीन आई थिंक 15 इयर्स, नो आई थिंक मोर, आई थिंक इट्स बीन 18 इयर्स के मैं पाकिस्तान में नहीं रही। वहां उस वक्त क्या मतलब आपकी क्या एक्टिविटीज होती थी उस वक्त? आई वाज जस्ट अ स्कूल गर्ल एंड देन बिजनेस कॉलेज के लिए मैं चली गई थी जी। नहीं, वह फिर ठीक है, फिर आपका मोटिवेशन लेवल राइट बनता है। आपने ट्राई नहीं किया ना बिजनेस करने का? कभी बिजनेस करने का ट्राई करेंगे तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल जो है ना बैलेंस में आ जाएगा। एक दफा कर ले दिल्ली, मैं तो कहता, एक मेरे जर्मन का एक कोड है, फास्ट फेलियर, मैं मेरी जिंदगी में ये मैंने सीखा है जी। तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है फास्ट फेलियर। आप देखेंगे मेरी ऑफिस में, मैं बोलता जल्दी कर दो, फटाफट करो ताकि पता चल जाए क्या है। अगर आपने फेल होना है तो फास्ट फेल होकर उस चीज़ को ख़त्म करके आगे तो बढ़े। तो आपकी जो ख्वाहिश है ना, तो आप उसका एक बजट बनाएं जी और ट्राई करें, आपको पता चलता है, क्योंकि वो जो लर्निंग आप ना किताब से ले सकती हैं ना वो पॉडकास्ट से ले सकती हैं, क्योंकि हम लोग किताबें लिखते नहीं हैं। एग्जैक्टली, किताब हम लिखेंगे नहीं, पॉडकास्ट में हम बोल नहीं सकते। आपने कभी सोचा है किताब लिखने का? मैं ट्राई कर रहा हूँ। oh, nice. 2-3 ट्राई किए, मुझे अच्छी सक्सेसफुल नहीं हुई है। अच्छा, उसमें हम पूरी जर्नी डिस्कस करने की, एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत चाहिए होता है जी, एक तो हमारी थ्रू आउट जर्नी वेरिएशंस बहुत होती हैं। तो एक हमें अपनी एक डिजिटल ईएमबी के ऊपर लिखना, और एक मैंने जो कोशिश की थी वो आप जो कोर्स करना चाह रही ना, बस बुक लिखना चाहता था AI पे, डिजिटल मार्केटिंग विद AI, डिजिटल मार्केटिंग। उसमें मैंने 3-4 हमने टाइटल थंबनेल और वो सब फाइनल हो गया था, लेकिन अंदर जब कंटेंट में जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। एग्जैक्टली, बहुत डिटेल, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई आप पे ट्रस्ट करे तो आप उसको डिलीवर करें। अच्छा,
तो फिर वो आपको, अब आपने कोर्स करा एक जी, लेकिन जब आप डिलीवर करें ना, तो जितने भी एआई के जितने मार्केटिंग है, फिर मैंने यूडीमी के और कोर्सेरा के जितने भी बंदे, जितने भी अच्छा रहेंगे कोर्सेस, वो सारे जाके देखे, तो मुझे पता कितने घंटे लगे होंगे, क्योंकि मुझे देखना नहीं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मैं मिस आउट कर दूँ। एग्जैक्टली। तो अगर आपने 100 या 200 पेज की बुक लिखनी है, तो आपको तकरीबन 200-300 आवर्स आपको जाके देखना पड़ता है, मतलब स्किप कर करके देखें, तो वो बहुत टाइम ड्यूरेशन लगता है। एग्जैक्टली। बट आप ये देखें कि आई डोंट नो, मेरे अंदर ये मोटिवेशन इसलिए आई थी बिकॉज लास्ट ईयर मैं फ्यूचर फेस्ट जो लाहौर में एक पूरा होती है कन्वेंशन, में उधर आई थी एज अ स्पीकर। एंड जब वो ख़त्म हो रहा था, तो मेरे पास एक फादर आए थे जिनकी आई थिंक 4 या 5 बेटियाँ थीं, एंड ही सेड कि यू नो, मैं अपनी मैं जब आपकी टॉक सुन रहा था, तो मैं अपने बच्चों को भी लेके, मेरे बैठे हुए थे मेरी बेटियाँ, और इतने इंस्पायर हुए आपसे, और वो उनको भी मोटिवेट होना है, उनको भी पढ़ना है, उनको भी आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ आप मुझे वादा करें कि आप दोबारा आएंगी और यू नो यंग यूथ लड़कियों को मोटिवेट करेंगी। सो आई थिंक दैट वाज जस्ट सो हार्ट टचिंग फॉर मी, कि फॉर मी दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट कि यू नो यूथ एंड यू नो यंग गर्ल्स शुड गेट इंस्पायर्ड, शुड गेट एजुकेटेड, शुड गेट द डिग्रीज, स्टार्ट वर्किंग, यू नो गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर मी आई थिंक आई जस्ट होल्ड दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, आप यहाँ आइए तो कम अज़ कम कुछ ना, मेरे खुद के लिए भी अच्छा था कि एक जर्नी मिला, आई थिंक कुछ सुनेगा तो उसके लिए भी इंस्पायरिंग होगा कि हम इस तरफ भी सोचा जा सकता। एग्जैक्टली। देयर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ हाउ यू कैन कोलैबोरेट, यू नो, आप हम यूजली अपने आपको कन्फाइन कर देते हैं एक स्पेस के अंदर, तो वाई जस्ट लिमिट आवरसेल्व्स, वाई कांट वी थिंक ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, ऑन अ बिगर यू नो इट्स नॉट कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ आर्ट बना के यहाँ 4 गैलरीज ही मैं एग्जिबिट करूँ, यू नो, वाई कांट आई थिंक बिगर, वाई कांट आई फाइंड क्यूरेटर्स, मैं तो एक हूँ, मुझे से तो काफ़ी लोग होंगे जो यू नो डिफरेंट, तो यू नो ये जो यंग अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट दीज क्यूरेटर्स एंड यू नो कोलैबोरेट विद देम, जब भी आर्ट शोज हो रहे हैं, जैसे फैशन में इतनी एग्जिबिशन होती हैं कपड़ों की, एंड यू नो पीपल, न्यू डिज़ाइनर्स, दे टेक देयर क्लोथ्स, सो यू नो वाई नॉट आर्ट। अच्छा, हमें एक बात बताएं कि व्हाट इज इन फ्यूचर में, नेक्स्ट 3 साल 5 साल का तो प्लान आपने किया होगा जी, तो एग्जैक्टली आप अपने आपको कहाँ देख रहे हो? तो इन टर्म्स ऑफ माई बिजनेस, आई प्लान टू यू नो ग्रो इट, आई वॉन्ट कि हम आगे सऊदी में एंटर करें मार्केट इंटीरियर्स वहाँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है। मैंने इन द पास्ट 4 ईयर्स एक रेजिडेंशियल टावर भी दुबई में डिज़ाइन किया हुआ है, एंड उसके पूरे इंटीरियर्स किए मैं, तो आई वॉन्ट कि यू नो अब हम सऊदी में एक्सपेंड करें, उसके बाद देन वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर टर्की, एंड देन यू नो, सो इट्स मोर ऑफ स्केलेबिलिटी, आई वॉन्ट टू ग्रो माई बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू टेक इट। व्हाट द एग्जैक्ट रीज़न, आप दुबई में क्यों जा रहे हैं? मैंने देखा इतनी पॉडकास्ट से मैंने भी किए, जिसको देखो बोलता है अगर नारा लगा लो चलो चलो दुबई चलो चल रहा आजकल, या सऊदी, सॉरी सऊदी चलो दुबई, तो खैर वो लोग जा रहे हैं जो कि एग्जैक्टली जो जॉब से रिलेटेड है, बट जो बिजनेस मैन है इस वक्त करेंटली वो सऊदी जा रहे हैं, चलो चलो सारी एक्सपेंशन वहाँ हो रही है, सारी डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, बहुत ग्रोथ है, बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि वो चांस दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं लोगों को, तो यू नो एक्सपैट्स को वो ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं, तो आई थिंक ज़्यादा वो तो आप वहाँ अपनी कंपनी ओपन करेंगे, देयर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर और सब, क्या आसान है वहाँ जाना? आई थिंक फ्रॉम लैंग्वेज का भी तो इशू मुझे लगता है, लैंग्वेज का है, बट आई डोंट थिंक इतना, सो आई थिंक फ्रॉम दुबई ओनली आई ऑपरेट, बिकॉज आई हैव बीन इन दुबई फॉर 12 इयर्स नाउ, तो मतलब मैं दुबई ही से आई ट्राई की, यू नो, जो शादी करके आप वहाँ चली गई थी या पहले ही वहीं चले गए? तो मैंने जब ग्रेजुएट किया था उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद आई मूव टू दुबई, और अभी वहीं रहने का रहता है जी। दुबई में वैसे एक सवाल कर लूँ मैं, बड़ा खतरनाक से, वरना फिर पासपोर्ट नहीं मिलता यार जी, अपने 12 साल भी गुजारे, तो 12 साल भी गुजारे जी, पासपोर्ट नहीं मिलता, बट आई एम श्योर, बट आई थिंक आई, लाइक आई सेड, आई लव माय कंट्री, तो आई थिंक अगर मिलता भी, आई डोंट नो इफ आई वुड बी ओके टू गिव पाकिस्तान। तो आप एक ट्राई करें, बिजनेस करें पाकिस्तान में, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप ट्राई करें। आई थिंक आप बहुत ईगर हैं कि मैं एक बिजनेस जरूर यहाँ पे करूँ, क्योंकि देखिए ना आप फंड लाएंगी कम से कम कुछ 4-5 मिलियन रुपीज़ का तो आएगा, तो गूगल में कुछ तो पैसा आएगा। एग्जैक्टली। तो मैं तो अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, जरूर साथ भी है आपका, उन्होंने मुझे रेफर किया था, तो हम आपको
और आजकल आपको स्कूल खोलना चाहें तो स्कूल भी खोल सकते हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। ज़रूर। तो आप मुझे अपनी जर्नी का बताएं, यू नो कोविड में मैंने तो आपको बताया कि किस तरह मेरी कंपनी लॉन्च हुई, आपके लिए कोविड का वो टाइम कैसा था? Was it challenging? Yeah, what did you see it as an opportunity? Yeah, did your business suffer or what happened? मेरी लाइफ बिल्कुल 360 में चेंज हो गई थी। Really? Because of COVID? क्योंकि मैं मतलब ये बिजनेस चल रहा था, पैसे कमा रहा था, जिंदगी थी, एक बीवी थी, एक बच्चा था, सेकंड समथिंग मेरे दो बच्चे थे मेरे समझे आप, और हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन आया और आई थिंक मैं जिस वक्त आया था मैं इटली से, वो हमने शुरू किया था कि थोड़ा घूमना शुरू कर दें, इटली से आया था, आके बस हम मार्च में बैठे पाकिस्तान में आके, वो पता चला सब बंद हो गया। तो वो तो सबके साथ ही हुआ था कि ऐसा बिजनेस भी बंद हो गया आपका, आपके फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई और सारा कुछ बंद हो गया। तो एक डेढ़ साल तो शायद अकेले में ज़िंदगी गुजारी है ना, तो अकेले अकेले में ही रह गए हम। और मज़े की बात ये कि एक ट्विस्ट ये हुआ था कि सारा बिजनेस ऑनलाइन था जी, सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, एंड देन सैंडी फैमिली के अंदर भी कुछ मैटर्स आ गए। ओके ओके, हेल्थ रिलेटेड या नहीं? मेरी फर्स्ट वाइफ मुझे छोड़ के चले गई थी। ओके ओके ओके, जब मैं घर आया तो मुझे छोड़ के चले गई। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। तो वो ये सारा सीन था बिकॉज़ ऑफ कोविड। हां, कोविड क्या है, मेरी वजह घर में, मैं घर आ गया। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है? Okay. ये तो डिपेंड, ये तो वक्त बताएगा, या तो वो बताएंगे कि क्या मसला था। एंड देन मैं फिर मैंने तकरीबन तीन दो साल जो है बिल्कुल अकेले गुजारे। अच्छा, और मैं कोविड में घर पे रहा, हमारा ऑफिस भी जब ये ऑफिस है मेरा 2012 से। अच्छा, ये तो मैं 10 इयर्स 12 इयर्स इस जगह पे हमें हो गए। तो बेटी कोविड में बंद था, ये कोविड में ये बंद था, घर पे कुछ था ही नहीं, तो अकेले बैठ के मैंने खुद बहुत फिल्में देखी और मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं उस वक्त। वाओ, क्योंकि बिल्कुल फ्री, आपके पास ऑफिस भी नहीं आना। एग्जैक्टली, ना आपके पास दोस्त हैं ना रिश्तेदार हैं, क्योंकि सब बंद थे। तो उस वक्त जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट काम किया, मैंने किताबें बहुत रीड की हैं, मतलब मैंने बहुत तकरीबन कोई 500 या 1000 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़नी होंगी, क्योंकि हमें वो खरीद तो हम सकते नहीं है जी। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, उससे हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसको बता रहना नहीं चाहिए। तो किताबें निकाल के डाउनलोड की, वो बहुत सारी रीड की, इस्लामी लिहाज से मैंने पूरी पूरी जितनी भी हदीस के या किताबें थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने फिर ऑनलाइन रीड कर ली थी। बहुत टाइम था मेरे पास, बहुत टाइम था, क्योंकि बिकॉज अब आपकी जो जर्नी होती है, सुबह उठते हैं हम, ऑफिस आते हैं 5 बज जाते हैं, उसके बाद आपको कोई घर का कोई सामान लाना है, कोई चीज़ें हैं, उसके बाद रात हो गई, सुबह फिर सुबह वही होता है, अब आपको कोई भी काम नहीं करना। पर मैंने इन्जॉय बहुत किया उसको, मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा था मेरे लिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और वो नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, अगर वो सिस्टम नहीं होता तो आज पॉडकास्ट नहीं होती जी, या अमेज़ॉन नहीं आता जी। क्योंकि दैट टाइम मुझे फिर एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिली, और मेरे 2002 में मैंने फिर यानी कि 2020 के अंदर ही मैंने फिर अमेज़ॉन शुरू किया था। वहाँ पे मुझे घर पे बैठ के देखा, मैंने कहा देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। कुछ एजेंसीज थी यहाँ पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर और इस तरह की कुछ कंपनी थी, तो फिर मैंने उनको फाइंड आउट किया कि कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, देन फिर मैंने ज्वाइन किया। और फिर वहाँ पर मैंने अपने, जैसे आप गए हो तो मैं समझ लें एग्जैक्टली, तो मैं अगर बिजनेस टर्म में बात करेंगे तो मैं अमेज़ॉन पर तभी आया था, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, आपको टाइम मिल गया। सी, देयर वाज ऑलवेज दिस सिल्वर लाइनिंग, देयर वाज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक जो कोविड में एवरीवन टैप्ड इनटू। और मैंने एक कोर्स किया था एनएलपी का, वो बहुत अच्छा था उस वक्त। अच्छा, तो आर यू अ प्रैक्टिशनर, आर यू लाइक अ एनएलपी? मैं वैसे ही मैं फारिग था, घर पे क्या करता, कुछ तो कुछ तो आप कोचिंग करते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ एक कोर्स किया, उसके बाद मुझे कुछ बेसिक्स पता चल गई थी कि बहुत सारी चीज़ें वो आपके दिमाग के अंदर होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने सक्सेस होना है, अगर आपने किताब पढ़नी है, तो सबसे पहले उसकी एक लाइन अगर आप मुझे बोले ना, तो जो चीज़ आपने करनी ना वो पहले आप सोचोगे। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आपके साथ बुरी हुई है या कोई अच्छी चीज़ हुई है तो आपने वो सोचा हुआ था। मिसाल के तौर पे आपने अच्छा घर बनाया है तो आपने वो सोचा हुआ था। आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी तो वो पहले आपने सोची थी। एग्जैक्टली, तो अगर आपके साथ कोई बुरा आपने किया है तो वो आपने पहले सोचा हुआ था। ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या मुझसे गलती से हो गया है, वो पहले सोचते हो तो उसकी मुझे एक सडन लाइन लगती है कि अब, क्योंकि कोई भी एक्शन परफॉर्म आप करें तो वो आपने पहले सोचा हुआ है। ऐसा नहीं कि सडनली कोई इवेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो एक मुझे उसकी लाइन आज तक याद है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। अक्सर मेरी फैमिली में या ऑफिस में होता है यार तुमने सोचा होगा तो ऐसा होगा, होगा नहीं होता। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो वो एक लाइन थी जो मुझे लगा कि हाँ यार, अच्छा उससे पहले आई थिंक मुझे ये बात नहीं पता थी।
ठीक है, उसके अंदर एक सेवन हैबिट की बुक थी, वो जो आई थिंक सभी लोग उसके अंदर शायद कब मैं वहाँ बैठा तो मुझे फिर एनालाइज हो कि यार ये एक बुक वाकई ऐसी थी जिसमें मैंने कुछ शायद एरी है जो मैंने को बताया था कि कुछ फैमिली मैटर्स आए तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ होगा प्रॉपरली, कुछ ना कुछ तो मिस चाहिए क्योंकि मैंने मुझे जब वो पांच एरिया पता ही नहीं थे कि मुझे स्पिरिचुअल पे काम करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, मुझे और मुझे अपनी फैमिली पे काम करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स पे काम करना है, मुझे अपने ऑफिस पे काम, अपने फाइनेंस पे काम करना है, तो आपको कोई एरिया ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है ना जी, तो किसी ने बताया भी नहीं आपको कि आपके पाँच एरिए होने चाहिए कि आप उन एरिया में काम करना है या सेवन एरियाज में आपको काम करना है, तो वो फिर था कि अब मैं बड़ा मेंटेन करके चलता हूँ। दैट्स गुड, मेरे बड़े डेडिकेटेड टाइम्स के साथ चीज़ें चल रही थी, जैसे अभी पॉडकास्ट जैसे आपके साथ चल रही है तो मुझे पता है मेरा सोशल टाइम है, पर्सनल टाइम मेरा मॉर्निंग का है, सोशल टाइम मेरा इवनिंग का है, तो इस तरह से, वरना फिर फ्रेंड्स का टाइम स्पेशली सैटरडे संडे को, अच्छा संडे को फ्रेंड्स नहीं होंगे, अच्छा एक अच्छा मेरे कुछ डायलॉग्स भी दिए हैं मेरे फ्रेंड्स का, मुझे पता होता है उनको पता है संडे को नहीं मिलेगा क्यों, बस उनको फैमिली टाइम है विद द किड्स, अच्छा मेरी बीवी पूछती है ये फैमिली टाइम तो है लेकिन ये होता कहाँ है, उस पर भी मैं अपना कुछ घर पे होता है लेकिन आई ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये फैमिली टाइम्स है अगर कहीं, लेकिन मैं उस पर भी घर पे पड़ा रहता हूँ लेकिन मैं दोस्त के साथ पास नहीं जाऊँगा एटलीस्ट, या मैं कोई ऑफिस का काम नहीं करता तो उस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, मैं घर पे हूँ लेकिन वो कहते हैं कभी घुमाने ही ले जाओ या कुछ ना, हाँ बस फैमिली टाइम में ले जाएंगे किसी ऐसा, अब क्या सिक्योरिटी के इतने मैटर है, आप कहाँ लेके जाएंगे, ज़्यादातर लगी मैं ले जाएंगे एक दो जगह लेके जा सकते हैं, आप नहीं लेके जा सकते, बहरिया भी आप कितनी दफ़ा लेके जा सकते हैं, एग्जैक्टली, और मेरी यूटिलिटी का मसला है कि मैंने अगर एक दफ़ा एक काम कर लिया ना मुझे दोबारा करना मुझे पसंद नहीं है, इनकी एक जगह पे एक विजिट, एग्जैक्टली, बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना, कुछ लोगों की यूटिलिटी है रिपीटेशन, मेरी किसी भी जगह पे रिपीटेशन नहीं होगी, अब कोई भी काम देखेंगे ना, अगर जैसे अगर मैंने कोई अपने ऑफिस का भी कोई काम किया ना तो एक दफ़ा अगर मैंने खुद कर लिया तो फिर मैं उसको असाइन कर दूँगा यार अब तुम कर लो, मतलब मैं क्रिएटिविटी करूँगा कुछ फाइंड आउट न्यू करूँगा देन असाइन, पर मैं उसको रिपीटेशन नहीं करूँगा, एग्जैक्टली, वो हर एक आई थिंक अपनी प्रेफरेंस होती है, सम पीपल एंजॉय इट सम पीपल डोंट, लोगों जैसे रिपीटेशन अलाउंग है ना, रिपीटेशंस मुझे पसंद नहीं है, यानी कोई भी चीज़ दोबारा नहीं जाऊँगा भी नहीं या दोबारा नहीं करूँगा, एंड आई फील यहाँ पे एंटरटेनमेंट की ऑप्शन भी थोड़ी लिमिटेड है, बच्चों के लिए थोड़ा लिमिटेड है, सो या फिर सिक्योरिटी का एक मैटर बहुत बड़ा है ना, इज इट, बाहर कैसे निकलेंगे आप, अब बाहर नहीं जा सकते अपनी फैमिली को लेके, कैसे जाएंगे, लूट जाए, लूटने का डर, सिक्योरिटी हैज इट इंक्रीज्ड या इज इट बेटर नाउ, और नहीं अभी तक तो वैसा ही है, वैसे ही, ओके, जैसा आपने किताबों में सुना होगा, अखबारों में सुना होगा, वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, तो वैसे ही है, आंसर्स आर वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन मुझे उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद पे दुनिया कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम, मुझे उम्मीद नहीं करता, ये सही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि अभी तो चीज़ें चल रही हैं, तो आपका क्या अभी हम अगर मेरी तो आपने कर लिया कि चलें बिजनेस में, आपका ये प्लान है, आप कोविड में आ गई तो उससे पहले आप क्या करती थी फिर, तो उससे पहले एक्चुअली आई गॉट मैरिड, मेरे माशाल्लाह दो बच्चे हैं, एंड बिकॉज यू नो आई वॉज ऑलवेज वेरी फोकस्ड ऑन डूइंग समथिंग एंड हैविंग माई ओन करियर, तो उससे पहले आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड एन एवेन्यू इन विच आई कुड डू समथिंग, बट आई यू नो आई थिंक either the timing wasn't right या बच्चे छोटे थे, and then once I studied interiors उसके बाद then I thought कि you know now it's about time that I you know do something in a way that can help not only me but also people in you know understanding and designing their spaces better, so for me the whole focus changed from myself to you know educating people about interior design and interior style and the importance of it, because you know sometimes jaise aapne NLP ka course kiya hua, agar aap ek ghar mein enter ho jo bahut cluttered hai, bahut ganda hai, wo uska unconsciously aapki mental health pe bhi impact hota hai, whereas if you enter a space jo zyada organized hai, clean hai, so you know you feel better, so that has an impact on your mental health as well, so I think just understanding and explaining that to people was very very important. So as a female do bacche bhi hain to fir time kaise nikalte, because I know ke bahut mushkil hai ji, but I feel ke jab aap you know once you decide on something so then you just I think you age kitni mein usse andaaza laga sakte so the ages are 7 and 8 but Dubai mein school hours are very long so it starts from 7:30 to like 2:30 and uske baad after school hota hai so that ends by like 3:40
So that is almost your whole day from like 8 in the morning till like 4. You have the whole day. अब वो आप या तो you know कोई job कर लें या आप सिर्फ socialize कर लें या आप घर पर बैठे रहें वो it's how you utilize your hours. So I mostly try to do my whole work in the hours जब बच्चे are in school. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है I'm not sure आप मुझे correct कर सकते हो क्योंकि आपका thinking हमें तो आप एक आइसोलेशन में जाके उसको फिर आप सोचते होगे क्योंकि अगर बच्चे ने सर्व किया तो आपकी वो सारा सिस्टम आउट हो जाता होगा जो भी आप सॉर्ट क्योंकि सारा तो आपका प्रोसेस दिमाग में चल रहा है इज इट समथिंग इसी तरह से आप प्रोसेस करते होंगे पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज समटाइम्स बच्चे आर सो क्रिएटिव दैट उनके कुछ आइडियाज़ आर एक्चुअली लाइक वाओ यू नो दे आर सो क्रिएटिव दीज डेज सो एंड इसीलिए आई हैव एन ऑफिस आई हैव अ टीम जहाँ आई सिट एंड वी डिस्कस ऑल ऑफ दैट एंड वंस दैट एंड्स So I just leave it there. Phir I try not to get work home. But yes, jab deadlines hoti hain, tab challenging ho jata hai. Weekends pe bhi kaam karna padta hai. Because obviously project deadlines hoti hain. Aapko ek certain time pe handover karna hai. Toh wo challenging ho jata hai. But because I think I like what I do, so it's just very rewarding. And it's just very fulfilling. And I think for me, by the end of the day, I need to feel fulfilled. Koi aisa skill aapko lagta ho ki mujhe ab is industry mein aa gayi hu, toh mujhe ab ye seekhna hai. I feel it's not about the industry. I feel it's about business in general. I feel it's very important that your negotiation skills are good. Because, you know, contracts are constantly being negotiated. And obviously, when you're in the business world, when you're new, it's a startup, mm-hmm. though, you know, and you're dealing with people who have been in the industry for a very long time. That is a challenge. So I feel just negotiating and, you know, having that business sense. So I think more than interiors related, it's because ab aap business chala rahe na. To wo business knowledge, I feel, bahut zaruri hoti hai. To uska koi course wagaira karne ka irada hai ya do you think ke isme to aap sirf interior designing mein kya isme aapka business hoga isme to bas apni designing wagaira karni hai ya do you think ke mujhe pura course karne ke kyun mujhe outline bata de ke ye business kar rahe hain itne taxes hote hain kitne ये इशू आ रहा है आपके साथ नहीं सो बेसिकली बिकॉज आई डोंट सी माई सेल्फ एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर ओनली आई सी माई सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर जैसे अभी आर्ट क्यूरेशन है तो यू नो इंटीरियर डिज़ाइन इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री आर्ट क्यूरेशन इज़ मोर ऑफ getting products on board so it's a combination now that I'm combining so it's more like you know ke aap apna business kaise aage grow kar sakte hain kaise badha sakte hain to in that यू नो अभी मैंने रिसेंटली हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कोर्स किया था मास्टरी नेगोसिएशंस का तो आई जस्ट फील के बिकॉज अब यू नो इट्स लाइक इट्स आप इंटीरियर्स तो कर ही रहे हैं वो आपका मेन प्रिंसिपल बिजनेस है पर आगे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है टीम को कैसे एक्सपैंड करना है टीम मैनेजमेंट कैसे है कि यू नो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो साथ सबको लेके कैसे चलना है तो ऑल ऑफ दैट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं फ्रांस के हूँ मैंने देखा है उनके कल्चर्स उनके स्टाइलिंग तो आपसे ही सवाल तो फिर बनता है व्हाट यू थिंक कि पहले ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग होती थी क्योंकि मैंने उनके पुराने 200 साल पुराने उनके घर देखे अंदर जाके मुझे मौका मिला है इटली के अंदर मैं वहाँ गया हूँ पूरे मैंने इनके स्ट्रक्चर देखे उस वक्त कोविड से पहले गया था तो मोबाइल और इतनी चीज़ें नहीं थी इंटरनेट नहीं थी तो मेरे पास इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं हैं तो वो बहुत ही मैं ये सोचता हूँ कि एक तो उन्होंने कितना टाइम लगाया होगा तो मैं बोलता हूँ अगर उसने इतना एरिया उसने एक दिन में बनाया तो उसको तो उसकी तो ज़िंदगी चली गई थी कि अंदर ही तो कैसे आज के दौर में तो पॉसिबल नहीं है और फिर उन अंदर जो उन्होंने गैलरी आर्ट उनके जो बने हुए हैं पेरिस के अंदर और इटली का मैं एरिया भूल गया रोम आई थिंक था तो वो मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता वैटिकन सिटी तो वो मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा अजीब सा होता तो दी थिंक कि आज ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है या पहले ज़्यादा अच्छा होता था आई फील आर्किटेक्चुरल वाइज जो डिज़ाइन पहले था दैट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल आई थिंक द रोमन टाइम्स एंड दो यू नो 17th-18th सेंचुरी द क्राफ्टमैनशिप इज सो डिटेल्ड इट्स ब्यूटिफुल आई फील नाउ ट्रेंड्स हैव चेंज्ड अ लॉट इट्स अ लॉट मोर मॉड्यूलर इट्स अ लॉट मोर बट डिज़ाइन स्टिल इज़ वेरी इनोवेटिव लाइक दुबई में इतनी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स आई थिंक इन ओल्डन टाइम्स बहुत फोकस किया जा रहा था क्राफ्टमैनशिप पे और यू नो कि बिल्डिंग्स कैसे ब्यूटीफुल लग सकती हैं अब बहुत फोकस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी पे कि बिल्डिंग्स कैसे यू नो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकती हैं लेस स्पेस कंजम्पशन हो ज़्यादा सस्टेनेबल हो सस्टेनेबल के अलावा ज़्यादा यू नो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो तो आई फील अब पर्पसेस ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर बदल गए तो अब स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट चीज़ें सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए हैं जो पहले हम कंसिडर नहीं करते थे उसको पहले इट वॉज मोर अबाउट द ब्यूटिफिकेशन क्राफ्टमैनशिप
और अभी हम फास्ट हो गए थोड़ा सा exactly. और हम उस एक चीज पर रह नहीं सकते अब exactly. हमें चेंज चाहिए exactly. और उसको कुछ 15 दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल के बाद उसको वो चेंज करना है जी, बिल्कुल. क्योंकि अगर ऑफिस चेंज नहीं करेगा तो बोलेगा यार ये तो वही 3 साल से चला रहा है. अब अच्छा इस पर एक सवाल और भी बनता है कि आपको क्या लग रहा है आजकल लोग ऑफिस के इन्वायरमेंट कल्चर बिल्ड करने में, इंटीरियर चेंज करने में कितनी 3 to 5 years में सब चेंज कर देते हैं? जी मोस्टली आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान पर, दुबई में तो, बिकॉज दुबई में पीपल मोस्टली वॉन्ट टू गो विथ यू नो नए स्टाइल्स जो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड्स जो बहुत जल्दी बदलते रहते हैं. सो पीपल आर लुकिंग एट दैट एंड अब आई थिंक दे आर इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, अ लॉट ऑफ प्लांट्स, अ लॉट ऑफ लाइक यू नो रियल आर्टिफिशियल प्लांट्स, रियल प्लांट्स. तो अब बहुत ग्रीनरी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दे वॉन्ट मोर सस्टेनेबल, मोर टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली डिवाइसेस, डेस्क कि यू नो आप अपना डेस्क पे फ़ोन रखें और आपका फ़ोन चार्ज हो जाए और आपका यू नो डेस्क जो है वो आपकी सीट से एडजस्ट हो जाए. सो नाउ इट्स मोर ऑफ गेट मेकिंग कम्फर्ट अ प्रायोरिटी, यू नो यू मूव लेस एंड लेस एंड लेस एंड इट जस्ट कम्फर्ट्स कमिंग टू यू. सो आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ अ प्रायोरिटी. तो इसकी अगर मुझे एजुकेशन हासिल करना है, आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं अगर खुद सीखना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो थोड़ा बहुत खुद देख ले इंस्टेड के वो हायर करे, और डर भी लगता है ना कि पता नहीं कितना चार्ज कर लेंगे. देयर आर डिफरेंट कोर्सेज. तो अगर हम कैसे उसको अपने आप को अपडेट करें? देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, यू कैन ऑब्वियसली लर्न डिफरेंट कोर्सेज, देयर आर डिफरेंट स्किल्स. यू कैन आइदर वर्क विद, अगर आपका कोई दोस्त है जो इंटीरियर डिजाइनर, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, आप कोई कोर्सेज कर सकते हैं. यानी कि आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी? नहीं, अदरवाइज आप देयर लॉट ऑफ कोर्सेज आल्सो यू नो ऑनलाइन है. आई एम श्योर पाकिस्तान में भी, कराची में भी बहुत हो रहे होंगे. वी हैव सच अ ग्रेट स्कूल इंडस वैली हियर, वी हैव सच स्मार्ट ब्राइट टैलेंट कमिंग अप हियर. सो या आई थिंक. आपने खुद कहाँ से किया था सारा? मैंने दुबई से, द डिज़ाइनर स्टूडियो से मैंने खुद दुबई से किया था. कितना टाइम लगा था उसमें? तो मुझे उसमें 2 साल लगे थे एंड उससे पहले मैं लंदन में पढ़ रही थी, दैट वाज 3 years. सो ऑल टुगेदर या 5 years. बट माय डिग्री वाज इन बिजनेस एंड देन ये स्पेशलाइजेशन इन इंटीरियर्स मैंने की. 5 साल इसके लिए पढ़ना पड़ेगा? नॉट एग्जैक्टली. आई थिंक आप 3-4 कोर्सेज भी कर लें अगर आप यू नो, बिकॉज डिफरेंट होता है ना, रेजिडेंशियल इज़ डिफरेंट, कमर्शियल इज़ डिफरेंट. जो जिस तरह हम एक रेजिडेंशियल स्पेस डिज़ाइन करेंगे उस तरह हम कमर्शियल नहीं डिज़ाइन कर सकते. कमर्शियल में वी हैव टू कीप अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन माइंड. सो आई फील के रेजिडेंशियल के कोर्सेज अलग होते हैं, कमर्शियल के अलग होते हैं, फिर ये सारी ऑटो कैड और ये सारी कंप्यूटर के कोर्सेज अलग होते हैं. So I think it's all a combination. So you can choose what you like. Maybe you know you can take one course and see how it goes. आपको क्या लगता है कि मुझे ज़िंदगी में जो मेरी जो भी सक्सेस है वो एक 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 इस हैबिट की वजह से? तो आई थिंक जो मेरी एक हैबिट है जो आई फील के सबको अगर वो इनकॉर्पोरेट कर सकें तो इट विल बी रियली गुड, इस के आई लव लर्निंग. मुझे सीखने का बहुत शौक है. तो अगर मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो मैं यू नो आई गेट इन टू द निक्स ऑफ इट एंड क्रुक्स ऑफ इट एंड आई रियली वॉन्ट, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग. तो जैसे अब व्हेन आई स्टार्ट इन माई ओन बिजनेस तो आई वॉन्टेड टू लर्न एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, दैट्स वाई डिड कोर्सेज फ्रॉम हार्वर्ड. उससे पहले मुझे हमेशा से फैशन का बहुत शौक था, इंटीरियर्स का. तो व्हाइल डूइंग माई डिग्री इन लंदन आई वॉज डूइंग इवनिंग क्लासेज एट लंदन कॉलेज ऑफ फैशन to do all these courses. कि मैं specifically fashion brand management में you know graduate करूँ. I remember जब summer में सारे students वापस आ रहे थे, मैं London School of Economics में बैठ के summer school में macro and micro economics पढ़ रही थी. So I feel that I'm you know very interested in learning and it's just not academics. Like मुझे I think अपनी physical health का भी बहुत शौक है, तो इसीलिए मैंने पूरी एक around 120 hours of certification ली हुई है in yoga. And then for mental health, I have done a lot of these, you know, जो मैं आपको बता रही थी, healing courses. So I think in all, I love to, you know, learn and explore different things. And I think जो भी मुझे inspire करे या you know जो भी मुझे intrigue करे, then that I really want to, I get into it and I want to do a balance certification. कैसे करती होंगी क्योंकि फिर बच्चे हैं दो, exactly, फिर husband भी है, फिर उसकी भी care हैं, exactly, and then फिर आपका अपना पूरा रहा, फिर आप study की तरफ भी, आपका मैंने देखा है बड़ा
कीन इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट है, आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते रहते हैं, बैलेंस कैसे कर रहे हैं सारा चीज़ों को? आई थिंक बिकॉज फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी एंड आई कांट जस्ट बी हैप्पी डूइंग वन थिंग, आई जस्ट कांट. आई थिंक वुमेन आर नेचुरली गिफ्टेड टू मल्टी टास्क. आई थिंक यू नो वी आर जस्ट ब्लेस्ड विद दैट स्किल टू मल्टी टास्क थिंग्स. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस यू जस्ट गेट अ बिट ऑर्गेनाइज एंड यू जस्ट सेट अ स्ट्रक्चर फॉर योर सेल्फ. सो येस, जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, इट्स नॉट थ्रू आउट द ईयर, इट्स प्रॉब्ली 3-4 months अ ईयर दैट आई dedicate to myself. It is difficult, it is challenging, I'm not going to deny, because I study at night and there's sometimes that I'm up all night, but by the end of it, when I get that certification, it's so rewarding ke, you know, I just feel so fulfilled and happy. And I think it's a very good example that I'm setting for my children also, ke, you know, learning just doesn't stop at your bachelor degree or your master's degree, you are learning till your grave. So you know, I think that's very good. आपने कहा ना कि मल्टीटास्किंग होती है फीमेल, तो सोच रहा हूँ उस क्लिप को निकाल के मैं रख लूँ कहीं, तो कहीं हम उसके बेनिफिट उठा सकते हैं. Of course. जो ऑफिस में फीमेल्स हैं उनको दिखा दें, फिर वाइफ को दिखा दें, देखो मुझे बोली मैं अभी मैं बच्चे को संभाल रही हूँ, तुम्हारा बोलूँगा देखो मल्टीटास्किंग होती है. गिफ्टेड है मैं दिस स्किल आप तो. हाँ, तो आप मल्टीटास्किंग क्यों नहीं कर रही, मतलब दो दो काम कर सकते हैं. हमने कहा कि आपने एक जुमला ऐड किया कि फीमेल्स के अंदर ये होता है, आई थिंक दे आर नेचुरली गिफ्टेड विद द, ये रील निकाल के फिर इंस्टा पे चला दें, देखिए वो घर भी संभाल रही होती है, बच्चा भी संभाल रही होती है, मियाँ भी संभाल रही, और अगर कभी ना कर रही हो तो उसको मोटिवेट करने के लिए फिर ये रील. एग्जैक्टली, इसकी हम एक मीम बना लेते हैं, इसकी ये टुकड़ा डाल देंगे ना स्पेशली, हाँ, आई थिंक स्पेशली इंस्टाग्राम पे हाईलाइट करना चाहिए, ये हाईलाइट करके हम इसको डालेंगे और इसको फिर पता चले. डोंट यू एग्री, डोंट यू थिंक यू आर लाइक गिफ्टेड विथ लाइक नेचुरली मैनेजिंग लाइफ बेटर, है ना? सी सारी परेशान है, वो भी उससे कहा मुझे कहाँ फंसा दिए. नहीं, वैसे थोड़ा सा ना आपको मैं वैसे बताऊँ, मैरिड और अनमैरिड का भी एक स्ट्रक्चर होता, जो अभी बच्चों की शादी नहीं होती ना, वो मैंने देखा इतने कॉन्फिडेंस में नहीं जा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जी. ये आपने देखा कभी, नोट किया? जी. वो बेचारे जैसे अभी हम लोग इस, आप ऑफ द रिकॉर्ड पे भी उससे बहुत सारे सवाल करी थी, तो ये बेचारे परेशान हो गए कि यार ये क्या चल रहा है, डर गए. और मैं तो मैं जिसको जिसको मसला कर जिससे सवाल करे उसको मसला ही नहीं है, और जो कर रहे हैं वो भी उससे भी मसला नहीं है, मसला नहीं है. अभी इन द एंड हम थोड़ा सा इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं. कोई ऐसा सवाल जो आप घर से निकले हो, आपने बोला कि यार ये हो सकता है ये सवाल आज गेन में तहसीन पर तहसीन इस्लाम साहब जो है ना वो करेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने वो नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था आपके दिमाग में क्या है. एक्चुअली नॉट रियली, आई फील कि ये पॉडकास्ट वॉज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड इट वॉजेंट वेरी यू नो लाइक वो आई थॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि एक टिपिकल क्वेश्चन आंसर होएगा जिसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास होएगी, बट थैंक गॉड वो नहीं था. एंड आई फील दैट आई रियली एंजॉयड दिस बिकॉज इट वाज अ कॉन्वर्सेशन. आई फील आपने जितने सवाल किए उतने ही मैंने आपसे किए, एंड इट वॉज नॉट ओनली कि यू नो आप मुझसे सीखते, आई थिंक मैंने आपसे बहुत सीखा, यू नो ऑफ हाउ टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान एंड हाउ वट वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग. यू नो आई जस्ट थॉट कि आप सिर्फ पॉडकास्ट करते हैं, वैन यू शोड मी अराउंड योर ऑफिस के द होल एम्ब्रॉयडरी द होल आपका पूरा जो अमेजोन का है, सो इट वॉज वेरी लाइक यू नो इंस्पायरिंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट पीपल आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग एंड दे डूइंग मल्टीपल थिंग्स एंड यू नो यू लाइक मैन कैन ऑल्सो फीमेल के साथ टच हो रहा है. मतलब एक वक्त में मैं एक ही काम कर रहा हूँ, मैं मल्टीटास्किंग नहीं, मल्टीपल थिंग्स, मतलब मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल टास्क करेंगे, मल्टीपल टास्क नहीं करें, मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज करें, लेट्स पुट इट दैट वे. हाँ, मल्टीटास्किंग करेंगे तो फिर हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है हमारी. हाँ, मैं जो ऐसा ना मैं फीमेल के साथ चल रहा हूँ मल्टीटास्किंग. नहीं 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 नहीं, तो ये बड़ा अच्छा, इट इज वेरी इंस्पायरिंग. कोई ऐसा मैसेज आप जाते हुए देना चाहते हो? मैं चाहता तो नहीं पॉडकास्ट खत्म, क्योंकि मेरे पास सवाल नहीं है कोई. आई नो, बट आई थिंक हम वैसे ही इतनी फन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने मुझे फोर कटाएंगे तो मुझे यहाँ से, मैंने जब मैं टाइम लेता ना तो मेरे आपके बिल्कुल बैक पर एक हमने घड़ी लगा के रखी हुई छुपा के, ओके तो वो मुझे दिख रही है कि आपके पास, तो आपने मुझे जो टाइम दिया उसके अंदर हमारा भी क्लोज हो रहा है. एग्जैक्टली, तो ये तकरीबन हमारे पास 10 मिनट के अंदर है, क्योंकि फिर हमें मैंने आपको एक वॉल दिखाई थी जी, फिर आपकी तस्वीर लेनी है, ओके जहाँ के वहाँ लगानी है हमने. जरूर. तो कोई फिर अगर कोई ऐसा कोई सवाल है तो हो गया, कोई जाते जाते कोई मैसेज, क्योंकि हमें वाइंड अप की तरफ तो जाना ही है. जरूर. आई थिंक द मैसेज दैट आई वुड वांट टू गिव द यूथ इज दैट यू नो प्लीज गेट एजुकेटेड
डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव विथ योर लाइफ, यू नो, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, देन जस्ट डू इट, यू नो, डोंट थिंक अबाउट इट कि फाइनेंसिस कैसे अरेंज होंगे या यू नो ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा. आई थिंक अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में तो यू शुड गो अहेड. अगर आपको कोई पर्टिक्युलर क्वालिफिकेशन उस चीज़ के लिए चाहिए तो यू शुड अचीव दैट एंड यू शुड वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स. तो आप मुझे अलाउ करो कि आपके प्रोफाइल आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, तो वो दोनों हम कर देंगे प्लीज टू. और उसके अलावा आप कौन लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं स्पेशली जिस एरिया में आपने कहा है? सो अगर किसी को इंटीरियर स्टाइलिंग करानी हो या इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए इन पाकिस्तान एंड कराची, आर्टिस्ट जिनको अपनी आर्ट वर्ल्ड वाइड क्यूरेट करनी हो, अभी तो वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन GCC, बट या आर्टिस्ट हु वांट टू टेक देयर, यू नो, दे कैन कोलैबोरेट विद अस, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू नो दे कैन टेल अस एंड वी कैन टेक देयर वर्क देयर एंड वी कैन सी हाउ इट गोज. सो आई'ड बी मोर देन हैप्पी to help them reach another market and you know just be a source rather mediator for them. नहीं बहुत अच्छा लगा, दिल नहीं कर रहा पॉडकास्ट खत्म करने का, भी है 5 मिनट जा रहा हूँ कि कोई 5 मिनट का भी कोई सवाल मिल जाए मैं आपसे. पर मेरा कराची में भी टाइम लिमिटेड है, राइट? सो इसीलिए बैक टू बैक. लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपसे भी बात करके बहुत मजा आया. मेरी ये पहली पॉडकास्ट में जिसमें हमने 2-way कम्युनिकेशन की है और जिसमें हमने कुछ आपने मुझसे सवाल किए तो कुछ चीज़ें तो आपने छुपा दी. मैंने कहा था कर सवाल, आपने कहा नहीं प्राइवेट हो जाएगा, मैंने मुझे मसला नहीं है प्राइवेट करने का. तो आप और आपने प्राइवेटली भी बहुत सारे मुझसे सवाल, बहुत ज्यादा मैंने आपसे सवाल किए, वेरी इन्फॉर्मेटिव और मजा बहुत आया. ये मुझे लगता है कि शायद ये 100 पॉडकास्ट के बाद पहली पॉडकास्ट है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं. Exactly. वरना तो अभी जो कॉन्सेप्ट बन गया है वो ऐसा इंटरव्यू का बन गया है, क्योंकि ना वो सवाल करता है और ना हम उसको बीच में बंद मसला करते हैं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा सा नहीं, बड़ा गंदा सा कमेंट आ जाता है. अब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते और नॉर्मली भी लोगों की अब हैबिट नहीं कि वो सवाल करें. Exactly. तो एग्जैक्टली आई थिंक कहता हूँ कि जिसको अगर हम कहें ना कि इस ये जो भी है जो हमने भी कम्युनिकेशन किए थे, ये हमने मेरी शायद जर्नी की पहली पॉडकास्ट आज. थैंक यू, मजा थी में ना कि दो में बात तो करें. एग्जैक्टली वो बात ही, अगर मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ आपको मुझे ही नहीं पता. एग्जैक्टली. तो ये मेरी बहुत मजा आया मुझे लिटरली बहुत. इस सफर में जैसे डायलॉग होता है ना, डायलॉग नहीं है ना, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया. मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में. लेकिन एग्जैक्टली बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी शायद आई थिंक ये पहली पॉडकास्ट है जिसमें मुझे इतना मजा आया और मैं थैंक यू सो मच. आज में से मुझे लगता है कि मैं पॉडकास्टर बन गया. ओह वाओ, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.